पूरे ठिकाने में खबर है कि 3.5 हाथ की देह में ऐसा रूप समाया तो समाया ही कैसा। मानो कुदरत की बेजोड़ सुंदरता ने कजरी की देह में शरण ली हो। कजरी के बारे में सुना है? कंडों के बीच में ऐसा लग रहा था जैसे चांद चमक रहा। अब तो बस तेरी आंखों ही उजियारा है रे। बस एक बार कजरी को अंदाता के सेज पे चढ़ा दूं, मेरी चाकरी कंप्लीट। अब सोचना है ये मचान कब और कैसे बनाए। घर के घड़ा के पानी के सिवाय दूजी ठौर के पानी से कुल्लो करना भी पाप है। अंदाता ने तुझे 9 रत्नों में से 6ठा रत्न रखने का फैसला किया है, किस सुन नहीं है क्या? ये कजरी है औरों से अलग। मैं आज ये छोटा बड़ा को भेद ही मिटा दूंगा। तेरे रूप की सुंदरता के बारे में जितना सुना था तो तू उससे भी बढ़कर सुंदर है। अरे मालिक नहीं मान भर जाता रो, थोड़ा तो ख्याल रखना चाहते हो। थारो से रूप देखने पत्थर को भी मन डोल जाएगा। फिर तू हुक्म दे दे, मैं दिन दहाड़े ठाकुर के साथ सो जाऊंगी। ऐसी चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और जब मिल जाती है ना तो आनंद आ जाता है आनंद। इतनी उतावली क्यों है? तू इकलौता है, कल को जेल चला गया तो माँ और लुगाई का ख्याल कौन रखेगा? अंधेरे में धोखा हो गया। चीटिंग एवरी टाइम, नॉट गुड, नॉट गुड। अरे तू बच में बड़बड़ मत कर, तो ठीक वक्त में ठीक समय पे आई हो, वरना भाई ने गलत समय में तू कहीं कर देती। गाय के तड़पने की फिक्र है तुझे या इंसान तड़प रहा है, कोई फिक्र ही नहीं है। परसों शाम ढले अठे आ जा जो। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी बायकॉट से। जब थारी मर्जी भी तू कंडी रोके से ना रोके तो। दिमाग ठिकाने नहीं आएगा साली का। थारी पे मने दुजोई को मानो किसना, एक घड़ी में 1000 परसा की समझ सागे ही आ गई। अरे भाड़ में गई कजरी, छिना ले दोगली है।